हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका बोर्ड एग्जाम है उसमें आपको मैथ्स का पेपर दे रहे हैं तो आपको मैथ्स की कॉपी को किस तरह से लिखना है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट यह पूछ रहे थे कि सर हमारा मैथ्स का पेपर है तो हमको किस तरह से मैथ्स की कॉपी को लिखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पूरा स्ट्रेटजी बताई जाएगी कि किस तरह से आपको कॉपी को लिखना है जिससे कि अच्छा नंबर आप मैथ्स में पा पाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अगर आपका मैथ्स का पेपर है तो आपको कॉपी को कैसे लिखना है उसको लिखने के लिए, जैसे मान लीजिए कि यह आपका पेपर है, यहां पर दो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और इन दो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है अपनी कॉपी में, तो किस तरह से इसके आंसर को आप लिखेंगे। तो फ्रेंड देखिए, जो आपको कॉपी मिलती है, सबसे पहले कुछ इस तरह से कॉपी आपको मिलती है, इस तरह से लाइन खींची गई रहती है, और उसके बाद जो है कि यहां से आपको एक लाइन सबसे पहले खींच लेना है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर किनारे में आपको स्केल रख के एक लाइन खींच लेनी है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको मान लीजिए कि ये जो पहला प्रश्न था या जो पहला प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसका आंसर लिखना है। तो इसका आंसर लिखने के लिए सबसे पहले यहां पर बीच में जो है कि आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। और उसके बाद यहां पर देखिए, पहले का जो है क्वेश्चन है तो यहां पर हमने पहला डाल दिया, और पहले का जो है कि फर्स्ट है तो यहां पर हमने फर्स्ट डाल दिया। तो इतना करके आपको क्या करना है कि नीचे जो है कि अंडरलाइन कर देनी है। जी हाँ दोस्तों, इसको आप स्केच से लिख सकते हैं या जो है कि ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, और इसको जो है कि नीचे अंडरलाइन कर देनी है। तो ऐसे करने से क्या होगा कि यह जो है कि आपका थोड़ा चटक हो जाएगा और देखने में आपकी कॉपी अच्छी लगेगी। और उसके नीचे आपको क्या करना है कि एक लाइन आपको छोड़ देना है, और एक लाइन छोड़ करके नीचे वाले में आपको लिखना है हल। यहां पर आपको हल लिख देना है, और यहां पर भी आपको अपना क्वेश्चन नंबर डाल देना है, जिससे कि क्या होगा कि अगर यहां पर मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर डालते वक्त गलती भी कर दिए तो यहां पर रहेगा तो सही माना जाएगा। तो यहां पर आपको डाल देना है, और उसके बाद जो है कि इतना करने के बाद इसके आगे से आपको लिखना है, यहां पर आपको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स लिखना है, और इसके बाद इसको सॉल्व कर देना है। तो इसी तरह से आपको कॉपी को हल करना है, कॉपी में इसी तरह से लिखना है। जो भी आपका पेपर आए, इस तरह से अगर आप सॉल्व करेंगे तब जो है कि आप अपनी कॉपी में अच्छा नंबर पा पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन रहे उसमें अच्छा नंबर आपको मिलेगा। तो देखिए, अगर दूसरा क्वेश्चन आप लिखने जा रहे हैं तो फिर भी आपको यहाँ पर बीच में डाल देना है कि प्रश्नोत्तर संख्या पहले का दूसरा, और इतना डालने के बाद आपको यहाँ पर बगल में सेकंड डाल देना है, और यहां पर जो है कि हल डाल देना है। और उसके बाद यहां से जो है कि आप लिख सकते हैं, या इसको छोड़ करके यहां से जो है कि इस प्रश्न को आप उतार सकते हैं, और इसके बाद जो है कि नीचे आप सॉल्व कर सकते हैं। और उतना करने के बाद जब फ्रेंड्स, एक काम और करिएगा कि जब यहाँ पर लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ आंसर आ गया, तो उसके बाद आप यहाँ पर ए एन यस लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आप मैथ्स की कॉपी को लिखिएगा। अगर आप इस तरह से मैथ्स की कॉपी को लिखते हैं तो 100% जो है कि मैथ्स के पेपर में आप अच्छा नंबर पाएंगे। आप जो भी सवाल लगाएंगे उस पर जो है कि पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब।